विवेक आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, 30 सेकंड बाद मैं बड़ी खबर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके पास क्या जानकारी? मेरा खबरें दो हैं। पहली ये कि FBI के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर रे, उन्होंने अमेरिका पर हमले की आशंका जताई है और वजह बताई है कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान में ISIS और अलकायदा वहां पर हमले की साजिश रच रहे हैं और बड़ी आशंका उन्होंने जताई है कि अमेरिका में फ्यूचर में एक आतंकी हमला हो सकता है और इसके लिए जिम्मेदार ISIS और अलकायदा होंगे। क्रिस्टोफर रे ने बाकायदा ये एडवाइजरी जारी की। इस पर कुछ कहना चाहती जी, बताइए। जी मेरा ये कहना है कि जो दौरा है महत्वपूर्ण दौरा है और हमें इससे बहुत उम्मीद है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें उससे निकल के आएगी, तो इसमें जैसे व्यापार निवेश अभी सर बता जैसे इसमें व्यापार और निवेश इन सब पे भी बात की जाएगी, ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन इन सब में हम किस तरह देश की रक्षा और सुरक्षा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसकी हम किस तरह से अपेक्षा कर सकते हैं कि किस तरह वो सामने आएगी इस मुद्दे से? जी हाँ, ये मैं सवाल ले लेती हूँ हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे, हमारे साथ बाहर से भी मेहमान जुड़ गए हैं, और देखिए दोनों सवाल जोड़कर अगर आप के सिराज इस पर जवाब दे पाए, अफगानिस्तान को लेकर जो अपडेट आ रहा है, जो थ्रेट है अमेरिका के लिए, और हम भारत की भी जो आंतरिक सुरक्षा है और भारत की सुरक्षा एक देश के तौर पर वो भी अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान का दखल बढ़ने से खतरे में आती है, तो उसको लेकर क्या यहाँ से हासिल हो सकता है? देखिए सुमेरा, जो सबसे बड़ा कंसर्न पूरे वर्ल्ड का है और भारत की तो बहुत ज़्यादा है, वो जो ग्रेविटेट हो रही है अफगानिस्तान में, जैसा तालिबान कह रहा था कि वो दूसरे अलकायदा चाहे ISIS खुरासान हो या और दूसरे भी जितने जैसे बाको हरम तक आ चुकी है अफगानिस्तान के अंदर में, तो ये जो ग्रेविटेट हो रही है और इसका टारगेट दो ही है, एक तो भारत है और दूसरा अमेरिका है, और हो सकता है वो चेचन रेबल्स भी आ गए हैं, यदि चेचन रेबल जाते हैं तो रशिया के ऊपर में भी है, कुछ ताजिक के लोग आए हैं, ताजिक के जो रेडिकलाइज फोर्सेस हैं वो ताजिकिस्तान में करेंगे, मगर जो मेन टारगेट है वो तो अमेरिका और इंडिया ही है, तो ये तो हुई है। अब जब आप सामरिक दृष्टि से देखती हैं अफगानिस्तान का हिस्सा, तो पूरा का पूरा जो बातचीत होनी चाहिए इसी इर्द गिर्द पे होनी चाहिए। भारत का कंसर्न क्या है कि उस अफगानिस्तान की धरती से आपके ऊपर कुछ ना आए। हमारा एक सिंपल सा तालिबान कहता है मगर उसके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, ड्रग दूसरी चीज़ है, ड्रग आपको कल पता होगा इतनी बड़ी खेप 100 साल के इतिहास के अंदर में सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई दो जगह से, वो है एक गुजरात में, एक मेरे ख्याल से राजस्थान में आई है, और वो ड्रग का जो सिलसिला है 1.8 बिलियन डॉलर का जो ये चलाता है, 90% ड्रग अफगानिस्तान में पूरे विश्व का हीरोइन पैदा होता है 90%, और वो पूरा का पूरा जो ये गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट है उसके थ्रू निकलेगा। लेकिन फिर हम इसे कैसे देखते हैं कि जब निकी हेली कह रही हैं कि अमेरिका ने UN में ये क्यों नहीं कहा कि आप अगर तालिबान मान्यता मांग रहा है तो आप मना करें कि नहीं हम आपको मान्यता नहीं देंगे, तो अमेरिका का जो स्टैंड है वो क्या बहुत क्लियर नहीं है इसको लेकर? देखिए एब्सोल्युटली एज भारत का तो क्लियरिटी है, भारत में ये कह दिया ना तो ये एक्सक्लूसिव है, नॉट एक्सक्लूसिव वर्डिंग है, और दूसरी बात जो कही है कि इसमें आप लोगों ने बातचीत के बिना विदाउट नेगोशिएशन किया है, जब तक ये चीज नहीं होगी भारत तो नहीं भारत देगा। का क्लियर है लेकिन अमेरिका का अभी बहुत क्लियर नहीं भारत है, भारत को फॉलो कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।